पहले तो खबर स्टार्ट होने से पहले आप पहले एक चीज ये देख लीजिए कि जो लोगों ने हमारा तो जीना दुश्वार कर रखा है, ये मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूँ, ये सुल्तानपुर के नंदलाल जी हैं, इनके खाते में 2070 रुपए आया है। जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उनको ये जवाब है, ये देख लीजिए। और मैं शांत नहीं बैठूंगा जब तक इसका पुख्ता एकदम नहीं कर दूंगा, क्योंकि लोगों की जल्दबाजी ज्यादा है। आप इसमें लिखा है सीधा गवर्नमेंट 2070 रुपए, यानी डायरेक्ट सरकार के द्वारा खाते में पेमेंट आया चौकीदारों के। ठीक है, जब आपका सैलरी आता है ना वेतन, तो वहां सैलरी लिखा होता है, जब आपका कोई फंड आता तो फंड लिखा होता है। मूर्खता की हद होती है किसी चीज की, कि अन्य लोगों को कैसे समझाया जाए कि भाई ये सरकार पैसा दे रही है और जो सैलरी वेतन आपका बनता है वो जिलाधिकारी के द्वारा बनता है, तमाम फंड मंगा करके आपको ट्रांसफर किया जाता है, ये आपका डायरेक्ट सरकार से पैसा आ रहा है, अभी भी नहीं यकीन है क्या? आगे का वीडियो देखिए आपको यकीन हो जाएगा। नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और सभी को हमारी तरफ से शुभ दीपावली, आप सभी के परिवार में खुशहाली पहुंचे, यही हमारी शुभकामनाएं। सभी का त्योहार अच्छा, अपने लिए अपना तो होगा ही होगा, अगल बगल भी देख लीजिएगा कि अगर किसी का त्योहार ना हो तो संभवतः मदद कर दीजिएगा। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं मुद्दे पर। मुद्दा हमारा ये है, आज का मुद्दा है कि आज हम वेतन पर करेंगे पर्दाफाश, यूट्यूबर्स पे करेंगे पर्दाफाश, और आपको आज हम वो सच्चाई से रूबरू कराएंगे जो कहीं ना कहीं आपके जो दिमाग में बहुत सारे ख्याल जो चलते हैं उनसे आप मुक्त हो सकते हैं। चलिए पहली बात तो मैं ये कर लेता हूं कि मैं देख रहा हूं कि कई जिलों में सबसे ज्यादा ग्राम प्रहरियों के खाते में 690 सबसे ज्यादा आ रहा है। इसके अलावा किसी के 3400 आए तो किसी को 4100 मिला और किसी को 1600 रुपए मिला। मित्रों बड़ी कंफ्यूजन फैली हुई है, कंफ्यूजन इतनी ज्यादा फैली हुई है हमारे ग्राम प्रहरियों में कि उन्हीं के भाइयों के खातों में पेमेंट आ रहा है फिर भी उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है, तो आखिर उनको विश्वास कैसे दिया जाए? तो आज इसी का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर आप इस वीडियो को ध्यान से अगर समझ लेंगे तो शायद आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। मित्रों जरा एक बात बताइए, जब भी कोई जैसे किसी के अपने अपने तर्क हैं या सबके अलग अलग सवाल हैं कि भाई बोनस तो कभी मिला ही नहीं और कहां से मिल सकता, बात तो सही है जब मिला ही नहीं तो नहीं मिला, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारी स्कीम नहीं निकलती, हर चीज का एक समय होता है। तो मैं दो चीजें आपसे कहना चाहता हूं। पहला नंबर, यहां पर सिस्टम ये बन रहा है कि देखो भाई जैसे आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो डिटेल्स जिलाधिकारी महोदय तक सीमित है, क्योंकि जब सरकार कोई भी नया कदम करती है तो वो सारी डिटेल्स को मांगती है। मैंने आपको इसके बारे में भी खबर दिया था कि योगी सरकार ने 28 सितंबर को सभी विभागों को सूचित कर दिया था कि अपना अपना ब्यौरा जमा कर दें। कई बार क्या होता कि कहीं कुछ अधिकारी हिलावाली की वजह से या किसी कारणवश आपकी डिटेल नहीं भेज पाते, जिस वजह से बहुत सारी समस्याएं आती। पहली चीज तो 3400 जो 4100 रुपए है उसमें मैं आपको बता दूं कि कोई कहता है साइकिल का है, कोई कहता है कुछ है, कोई कहता है कुछ है, सबके अपने अपने तर्क है। देखिए पहली बात, ज्यादातर लोग साइकिल वितरण करते हैं और अगर साइकिल का पैसा आता भी तो उस जिले में सभी के खातों में आना चाहिए था, तो उसी जिले में आधे लोगों का आया आधे लोगों का आया ही नहीं, और उसी जिले में 3400 आ रहा है, 690 आ रहा है, 1600 आ रहा है, 4100 आ रहा है, एक के तो भाई साहब 7100 रुपए। अब यहां ऐसा दही बन गया है कि इसका तो हम भी जवाब नहीं दे पा रहे। बात तो सही है कि भाई एक साथ एक जैसा अमाउंट क्यों नहीं आ रहा, और एक साथ तो वैसे भी नहीं आ सकता क्योंकि सीधे डायरेक्ट सरकार के द्वारा आ रहा है तो उस थोड़ा समय तो लगता है। अब जैसे किसान निधि योजना हो गई, वृद्धा पेंशन हो गई, ये एक दिन में पूरे उत्तर प्रदेश में पैसा नहीं पहुंच जाता है, दो चार दस दिन बीस दिन का प्रोसेस होता है, धीरे धीरे सबके खाते में आ जाता है, इसी तरह से इसमें भी होता है। तो हमारे ग्राम प्रहरियों में क्या ना थोड़ा सा धैर्य नहीं है, और उसी धैर्य की वजह से हमारे बेचारे मासूम ग्राम प्रहरियों को लोग बेवकूफ बनाते हैं। आपको सच्चाई बता रहा हूं, आज मैं यूट्यूबर पे भी जो बात करूंगा, अभी मैं ना यूट्यूबर को दोष नहीं दे रहा हूं
और ना मैं आपको दोष दे रहा हूं। मैं आज अपना तर्क रखूंगा और आपको वही सच्चाई से अवगत कराऊंगा कि आज यूट्यूबर खबर जो चलाते वो गलत है या आप लोग गलत कहीं ना कहीं मानसिकता रखते। तो मित्रों पहली चीज तो एक बात समझ लो, अभी हाल में ही योगी जी ने कहा था कि हम बहुत जल्द ही गोपनीय बजट लेकर आऊंगा, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह गोपनीय बजट हो और हम लोगों को अभी तक सूचना भी नहीं मिली, किसी को भी नहीं मिली, क्योंकि 690 रुपए जो आ रहा है ये मैं जोड़ रहा हूं तो ये बजट के हिसाब से ही आ रहा है, क्योंकि 27% सरकार ने मानदेय बढ़ाने के लिए बोला है, तो 27% लगभग 675-680 के आसपास हो रहा है। तो ये मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि गोपनीय बजट के तौर पे दीपावली में ऑफर सरकार ने दे दिया कि जाओ भाई चौकीदारों का भी उद्धार हो। मैं जानता हूं कि इतने कम पैसे में आपका गुजारा नहीं होगा, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने सोचा इतनी मेहनत कर रहे हैं और इतना 14 सितंबर में इतना वहां धरना आंदोलन किया गया, केंद्र सरकार ने भी जवाब मांगा होगा तो उसको देखते हो, क्योंकि इधर लोगों ने मुकदमा कर रखा है तो सरकार तो खौरिया नहीं बैठी है, तो हो सकता है कि केंद्र सरकार ने कहा होगा चलिए जो मुकदमा चल रहा है उसको चलने दीजिए लेकिन अभी कुछ इनकी झोली में डालिए ताकि इनका कुछ अच्छा हो। तो यहां पे मेरा जो मानना है कि या तो ये 690 आपका वेतनमान वृद्धि हो सकता है, मैं अभी पुष्टि इसलिए नहीं कर सकता जब तक हर किसी के खाते में नहीं आता है। नंबर दूसरा बोनस की मैं बात कर लूं तो मेरे भाई मुझे ऐसा भी प्रतीत हो रहा है कि 690 ये और जैसे हरियाणा में 500 रुपए दिए जा रहे हैं मिठाई के लिए, हो सकता है कि 1500 रुपए आपको इसमें इंक्लूड करके, हो सकता है कुछ TADA मिला करके ये सब पैसा आ रहा, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में ना हो। दीपावली के पास जब तक आ जाए लोगों तो क्योंकि आज ही एक बंदे ने बोला कि आया है भैया मेरे पास, तो मतलब धीरे धीरे आ रहा है लोगों पर, तो जिनके पास आज आ रहा तो हर हर महादेव, नहीं आ रहा तो दिवाली के बाद आप लोग चेक भी करिए, जिनका नहीं आया है वो जाकर के अधिकारियों के पास पहुंचे और जिनके खाते में आया है वो लोग स्टेटमेंट निकाल करके हमें भेज दें ताकि हम उस पर ये देख सके कि ये है क्या, है ना। तो आप स्टेटमेंट भेजिए, फिर आप अपने अधिकारियों से बात करिए कि सर ऐसे ऐसे खातों में पेमेंट आ रहा है, मैं क्या दुश्मन हूं, मेरे पास क्यों नहीं आया। तो कार्य करने का तरीका जो होता है एक नियम से कार्य करना चाहिए। अब ये नहीं कि मैंने वीडियो बनाया आप जुट पड़े कि भाई पेमेंट नहीं आया, पेमेंट नहीं आया तो क्या भाई तुरंत आ जाएगा, थोड़ा धैर्य बनाइए। और कोई आपको गुमराह नहीं करता है, आप खुद गुमराह होते हैं, पता है क्यों, क्योंकि मैं ये देख रहा हूं कि मैं हमेशा आपको सही खबर देता हूं, तब हमारे पास ये लोग हमारा वीडियो पता नहीं क्यों उनको देखने में शर्म आती है और लाइक कमेंट करने में आती है, और यही मैं भी चूतिया बनाना लगूं तो आप लोग बड़ा यार लाइक कमेंट शेयर करते हो, क्योंकि मैंने तो अजमाया एक दो बार, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने आपको लगभग 6 महीने पहले एक बार अजमाया था, मैंने वीडियो के अंदर कुछ बोला और मैंने बाहर पोस्टर में कुछ लिखा, कसम से भाई वो वीडियो 2 दिन में 10,000 लोग देख लिए, मुझे बड़ा अच्छा लगा यार कि यार ये दुनिया है कैसी, कि मतलब ये देखने से बस खाली अट्रैक्टिव होती है, मतलब जो सच्चाई अंदर भरी है वो अच्छी नहीं लगती आप लोगों को, तो थोड़ा अपनी मानसिकता को भी चेंज कर लीजिए, क्योंकि अगर ये नहीं चेंज करेंगे ना तो आपको हर कोई बेवकूफ बना सकता है, क्योंकि आप ना जल्दी आ जाते हैं, आप एक मासूम है, आप एक परेशान है, आप एक स्थितियों से जूझ रहे हैं, तो इसका फायदा हर कोई उठाने में लगा है इस समय, तो उस फायदे को ना उठाएं तो हमें करना क्या चाहिए, तो जो मैं समझा रहा हूं उसको तो समझिए मेरे भाई, कि आप सही चीजों को समझना सीखिए, चीजों को समझिए कि ये व्यक्ति सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा, उन पे विचार किया करिए तब किसी को बोला करिए। अब मैं बात कर लेता हूं यूट्यूबर्स की। देखिए यूट्यूबर भी, आपको एक चीज मैं और क्लियर बता दूं, मैं खासकर सभी तमाम जितने भी हमारे उत्तर प्रदेश या देश प्रदेश में जितने भी यूट्यूबर है, पहली बार तो मैं उनका सम्मान करता हूं, पता है क्यों करता हूं, क्योंकि एक यूट्यूबर की लाइफ में अगर आप जाएंगे ना भाई साहब, आप यकीन मानिए कि आपकी तरह उनका भी घर है, वो भी गरीबी होते हैं, बहुत करोड़पति नहीं होते। हाँ भगवान की दया से कोई यूट्यूबर बड़ा बन जाता है तो भले पैसा आने लगे, लेकिन शुरुआत में जो बेचारे अपने छोटे मोटे यूट्यूबर होते हैं जिनके 10-20 हजार रुपए, हम भी छोटे मोटे हैं भाई, तो कहने मतलब क्या छोटे मोटे, वो सब अपना गुजारा करते हैं और कहीं ना कहीं शुरुआत में वो लालच नहीं करते कि मुझे पैसा कमाना है, वो ये सोचते हैं कि हमारे लोग ज्यादा बढ़ेंगे और लोग मेरे वीडियो को ज्यादा देखेंगे तो हमें आने वाले समय में दो पैसा मिलेगा, क्योंकि भाई बेरोजगारी है तो रोजगार तो आदमी को चाहिए चाहिए। अब क्या होता है कि मैं मानता हूं कि कुछ यूट्यूबर्स हैं जो गलत खबरें उल्टा सीधा फर्जी बोलते हैं, मैं उनका तो क्या बोलूं, मैं उनको तो नहीं कुछ कहना चाहूंगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको हकीकत में बता रहा हूं, अगर आपकी मानसिकता सही है ना आपको बताते हैं वो सच्चा है, पोस्टर वो इसलिए भयानक बनाते हैं ताकि आप लोग क्लिक करके उसको देखें, फिर आप लोग कहते हैं कि लिखा कुछ और बोला कुछ, तो भाई ये इसलिए करता है आदमी क्योंकि सच में
भाई जैसे मैं हूं, मैं ईमानदारी से काम कर रहा हूं, मैं आपके साथ ईमानदारी से खबरें देता हूं, आप लोग की संख्या ही नहीं बढ़ती, और जब मैं कुछ गलत डाल देता हूं तो आप लोग बड़ा वायरल कर देते वीडियो। तो भाई मानसिकता को चेंज करिए, किसी का वीडियो गलत नहीं होता है, उसको अगर आप सोचेंगे उसका नजरिया थोड़ा। और वो आदमी लिखता क्यों है कि वेतन हुआ 18,000, वेतन हुआ 10,000, इसलिए लिखता है कि ताकि आप उसको क्लिक करें। क्योंकि भाई अगर वो ये लिख देगा कि भाइयों वेतन आपका बढ़ा 600, तो आप जल्दी नहीं क्लिक करोगे, यार ये 600 रुपए में क्या होगा। तो कहने का मतलब क्या है ना कि हर आदमी एक कुछ ना कुछ अपना अपना फायदा सोचता है, कोई भी इंसान। लेकिन क्या है कि मेहनत भी यूट्यूबर बहुत करता है भाई, पोस्टर डिजाइन करता है, पोस्टर डिजाइन के बाद वीडियो बनाता है, वीडियो बनाने के बाद एडिटिंग भी करता है, एडिटिंग करने के बाद नेट की जरूरत होती है नेट लगा करके अपलोडिंग भी करता है, मोबाइल की बैटरियां चली जाती है तो उसके लिए बिजली बिजली की व्यवस्था सब कुछ करना पड़ता है, मेहनत करता है, माइंड खपाता है, नजरें खपाता है, अपने मुंह से जो बोलता है वो भी कहीं ना कहीं एक मेहनत है, क्योंकि मेहनत से हर आदमी कमाता है। अब आप हम हो या आप हो या अन्य आदमी हो, अपनी अपनी मानसिकता को चेंज करना चाहिए। आप अगर किसी चीज को अच्छा समझेंगे तो अच्छी है, आप बुरी समझेंगे तो बुरी है, सीधी बात बोल। लेकिन जो प्योर झूठ बोलते हैं मैं उनका हमेशा विरोध करता हूं। लेकिन अगर कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई बोली जाती है, बेशक पोस्टर में कुछ लिखा है, तो इस चीज को आप समझिए कि हम ही आप लोग मजबूर करते हैं यूट्यूबर्स को लिखने के लिए। तो ऐसा मत करिए, थोड़ा मानसिकता अपनी भी चेंज करिए कि अगर कोई खबर डाली जाती है ना तो एक सच्ची अगर सही खबर होगी ना तो कभी पोस्टर में फर्जीवाड़ा नहीं लिखे, तो आप उसको देखना स्टार्ट करिए, देखिए उसको, लाइक प्यार करिए, कमेंट करिए। भाई हम लोग मेहनत करते हैं, आप समझिए हम आपके लिए रात दिन तप कर रहे हैं, हम आपसे कोई पैसा नहीं ले रहे ना आप हमें पैसा दे रहे, तो आपके लाइक कमेंट और सब्सक्राइब से कोई पैसा आपका नहीं लग रहा, लेकिन हम लोगों को उत्तेजना मिलती है, हम लोगों को काम करने में मजा आता, हम सपने देखे बैठे कि किस दिन आप लोग हम जैसे लोगों को सिल्वर बटन गिफ्ट में देंगे। भाई आप लोग जब सब्सक्राइब करोगे, ज्यादा से ज्यादा जुड़ोगे तो सिल्वर बटन मिलेगी, तो ये एक तोहफा होगा हमारा, यही हमारी खुशी है। लालच लेके नहीं जुड़ा हूं कि बहुत सारा पैसा कमा लो, आए पैसा आए पैसा, यही लालच होता ना तो समाज में उतर के काम नहीं करता। तो थोड़ी चीजों पर ध्यान दीजिए मेरे भाई, और ये अपना चैनल समझिए, इसको ज्यादा शेयर करोगे, ज्यादा लोगों को जोड़ोगे तो ये आपकी फैमिली बढ़ रही है, मेरी नहीं, क्योंकि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। ठीक है बंधु, आज का वीडियो उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत कुछ समझ में आ गया होगा, ना आया हो तो भी कमेंट करिए, मैं फिर भी समझाने का प्रयास करूंगा। बस आप लोगों से निवेदन है कि हमेशा एक सच और सत्य का साथ दीजिए, मैं आपका दुश्मन नहीं हूं, मैं आज आपके साथ हूं, कल आपकी तरक्की हो जाएगी, आप मुझे बेशक दूर कर देना, पर अभी तो कम से कम साथ दो। जय हिंद।